हे पेंटर्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं ऑयल पेस्टल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो अक्सर बिगिनर्स लोग जो गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो इस तरीके से कलर्स को अप्लाई करते हैं बिल्कुल हल्की तरीके से, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से अप्लाई करने पर कोने कोने तक कलर पहुंचता नहीं है और ब्लेंड करते वक्त हमें बहुत दिक्कतें आती है और अच्छी तरीके से कलर्स ब्लेंड भी नहीं हो पाते हैं। तो इसे हम ब्लेंड करके देखते हैं कि कैसा होता है। देखिए, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है ये। तो ये गलतियाँ बिगिनर्स लोग करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अब मैं दिखाने वाली हूँ एक्चुअल में कैसे करनी चाहिए ऑयल पेस्टल्स जो ड्राइंग है। इस तरीके से अच्छे से कलर अच्छी तरीके से हमें अप्लाई करनी पड़ती है कोने कोने तक, और थोड़ा सा प्रेशर का यूज़ करके, और एक कलर के ऊपर एक कलर की लेयरिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं येलो के ऊपर ऑरेंज की एक हल्का सा लेयरिंग करी ताकि ब्लेंड करते टाइम कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ब्लेंड भी हो जाए अच्छी तरीके से। देखिए, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप ऐसे कीजिएगा तो ऑयल पेस्टल्स से आप अच्छी तरीके से अच्छी पेंटिंग बना पाएंगे। तो हम इसे भी ब्लेंड करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। गाइस, देखिए ब्लेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा रहा है। तो इसमें मैं कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ। देखिए, तो ये डिटेलिंग करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कौन सा बेटर है। वो लेफ्ट वाली जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उससे ड्राइंग अच्छी नहीं बनती। वो गलतियाँ बिगिनर्स लोग करते हैं, वो राइट वाली तरीके से करना है तो अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप ऑयल पेस्टल की अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। तो मैंने इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करके ये वाली पोर्ट्रेट बनाई है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और लेफ्ट वाली वीडियो आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।